इधर 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 इधर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिगोर ICNG के बारे में। इसमें हम बात करेंगे, टिगोर में ना दो वेरिएंट आते हैं ICNG में, एक टिगोर XZ और एक XZ प्लस। तो इनमें ना क्या डिफरेंस आता है वो मेन बात करेंगे हम, और कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, क्यों लेनी चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये तो टॉप मॉडल है, अब इसके नीचे जो बेस मॉडल आता है उसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स नहीं आते या उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो चलो आओ बात करते हैं। तो पहले बाहर से बात कर लेते हैं, एंड सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं। अब फ्रंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं इसके हेडलैम्प्स। तो जो बेस मॉडल मतलब जो नीचे वाला मॉडल आता है उसमें प्रोजेक्टर्स नहीं आते, उसमें नॉर्मल रिफ्लेक्टर लाइट्स आती हैं। एंड लो बीम हाई बीम दोनों रिफ्लेक्टर्स हैं। इसमें क्या है, लो बीम रिफ्लेक्टर है और हाई बीम प्रोजेक्टर है, उसमें दोनों ही रिफ्लेक्टर आते हैं। अब अगर हम साइड में आएँ तो इसमें आती है क्रोम ग्रिल विद ट्राई एरो डिज़ाइन। लेकिन उसमें क्या है कि ट्राई एरो डिज़ाइन कंटिन्यू होता है लेकिन क्रोम में नहीं, सिर्फ ब्लैक कलर में। तो इसमें क्या है, क्रोम देते हैं ना तो थोड़ी ये प्रीमियम सी फिनिश लगती है, लेकिन उसमें ब्लैक आता है, लेकिन वो भी ओके लगती है, इतनी वो बुरी भी नहीं लगती। अब आते हैं गाइस नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ इसमें क्या है, यहाँ पे आते हैं DRLs, लेकिन उसमें DRLs नहीं आते, और ये जो है ना इसमें वो लेकिन फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है फ्रंट से, उसमें डिफरेंस ये है कि नीचे इसमें ना यहाँ पे क्रोम आती है ये पूरी, लेकिन टिगोर XZ में ये क्रोम भी नहीं आती है। तो ये होगी आगे से मेन बात फ्रंट लुक की, जो डिफरेंस आता है मोटा मोटा। एंड अब अगर हम थोड़े फीचर्स की बात करें फ्रंट से ही, तो जो इसमें है ना ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं, जो कि उनका सेंसर है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा ये सेंसर है उसका। तो इसमें ये आता है लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं आती, और इसमें क्या है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी हैं, उसमें वो चीज़ भी नहीं आती। टिगोर XZ में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आते, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं। तो वही है, जितना पैसा थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं तो कंपनी थोड़े से फीचर भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही है। अब ये फ्रंट से बात हो गई, अब चलते हैं इसकी साइड में। तो साइड में आते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है हमें, सबसे पहले हमें दिखता है कि अब ये गाड़ी फिर से ठुक के आ चुकी है। तो गाइज ये देखो, बिल्ड क्वालिटी अब और अच्छे से चेक हो गई है। यहाँ पे ये डोर पे पूरा स्क्रैच हो गया और ये पूरा दब चुका है अंदर। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, इस तरफ से आपको दिख रहा होगा, सामने से इतना दिख रहा होगा। तो ये भी अभी हम सर्विस पे जाएंगे तो इसको ठीक करवाएंगे, और अब तो एक्सीडेंटल पे भी जाएगी एंड इसकी 10,000 भी होने वाले हैं। तो सर्विस पे जाएगी तो उस वीडियो को भी जरूर देखना हो, और चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना ऐसी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तो साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें ना ये एलॉयज भी नहीं है, व्हील कवर टाइप ही हैं। तो इसमें ऐसी लुक आती है एलॉय वाली, लेकिन जो नीचे वाला आता है उसमें व्हील कैप्स आते हैं। एक ये डिफरेंस आता है सबसे मेन। एंड इसमें क्या है, हमें वेलकम फंक्शन मिलता है की दी ना, ये देखो ये मैंने लॉक किया, ये रहा इसमें का वेलकम फंक्शन। अब ये मैंने अनलॉक की, तो ये जो चीज़ है ये XZ में नहीं आती। एंड रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो XZ में भी आते हैं, इसमें भी आती हैं। बाकी अगर हम देखें तो ये देखो, ये इसमें क्रोम गार्निश है पूरी, जो कि ना प्रीमियम बनाती है गाड़ी को। अब देखो कितनी बढ़िया लुक आती है यार क्रोम की, पर लेकिन ये चीज़ उसमें नहीं आती। बट ये जो चीज़ है ना, ये एक्सेसरीज है, आफ्टर मार्केट आप इजीली लगा सकते हो, फिटिंग फिनिशिंग में प्रॉब्लम होगी। बट ये देखो, ये कंपनी फिटेड है ना तो बहुत क्वालिटी इसकी अप है, लेकिन जो बाहर से आफ्टर मार्केट आएगी ना उसकी क्वालिटी इतनी अप नहीं होगी, तो ये चीज़ रहती है। तो गाइस अब आते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ से आप क्या देख रहे होंगे कि यार ये यहाँ से भी ठुक के आ चुके हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो गाइस ये तो सुबह सुबह ही इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये देखो ये पीछे पूरी दीवार में लगाई हुई है और यहाँ पे आते आते बच गई है, डिग्गी बच गई है जैसे तैसे। ये देखो अब ये बम्पर तो पूरा चेंज ही हुआ, क्योंकि यहाँ से भी इसका, ये देखो यहाँ से भी ये लगी पड़ी है और एक ये टेल लाइट लगी पड़ी है। फिर तो इसका ना इन डेप्थ हम पूरा इंश्योरेंस लेंगे तो वो भी दिखाएंगे कितना प्रोसेस क्या लगेगा, तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो पीछे से अगर हम बात करें, जो XZ में नहीं आता वो सबसे बड़ी चीज़ है ये कैमरा। तो जो कैमरा है ना उसमें नहीं आता है, बट रिवर्स पार्किंग सेंसर, इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर का आते ही नहीं है यार, ये देखो कुछ भी नहीं आते। और जो XZ है उसमें कैमरा नहीं आता लेकिन रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं। बट हम जो है कंपनी से रिवर्स पार्किंग सेंसर लगवाएंगे इसमें, उसकी भी वीडियो आएगी तो वो भी ज़रूर देखना, ठीक है। अब चलते हैं इसके थोड़ा सा साइड में, और ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है यहाँ पे इसका शार्क फिन एंटीना। तो उसमें जो है नॉर्मल एंटीना आता है, इसमें शार्क फिन आता है, तो ये एक डिफरेंस है।
इसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे आएँ तो यहाँ पे आता है इसका डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर जो कि XZ प्लस में आता है लेकिन XZ में नहीं आता। एंड एक और चीज़ है जो यूनिक है यार, एंड एक और चीज़ है जो यूनिक है मैंने, तो यहाँ पे लाइट आती है। कहाँ आती है लाइट? ओ ये रही। तो गाइस ये देखो यहाँ पे लाइट आती है, मैं इधर कहीं ढूंढ रहा था बट इसमें यहाँ पे प्लेस कर रखी है लाइट, तो इसमें लाइट आती है और नीचे वाले मॉडल में लाइट नहीं आती। तो इसे बंद करते हैं और अब आते हैं साइड में। ओ साइड तो सेम ही है दोनों साइड, तो चलो तो अब अंदर बैठ के देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो हम तो अंदर बैठ रहे हैं, तो इतने में आप एक काम करो, अरे खुल जा चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम टिगोर के अंदर, तो सबसे पहले सीट पीछे कर लेता हूँ। अब जो मेन डिफरेंस आता है ना अंदर में, तो सबसे पहला डिफरेंस आता है टच स्क्रीन का। तो इसमें क्या है, टच स्क्रीन आती है जो कि यार हम इसमें बात नहीं करेंगे ये कैसी है, अच्छी है बेकार है। टच स्क्रीन आती है लेकिन जो इससे नीचे वाला मॉडल एग्जैक्ट उसमें वो टच स्क्रीन नहीं आती, वो मिसिंग है। अब देखो अगर ये है बेकार या ये अच्छी भी है, यार प्रैक्टिकल है चाहे नहीं है, कैसी भी है टच स्क्रीन है ना, तो बंदे को यूज़ कर ही लेता है, कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेता है मैं ज़्यादा नहीं तो, यार देखने में भी अच्छी लगती है ये देखो पूरी बढ़िया लुक देती है। नीचे वाले मॉडल में ना ये आती नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर हम थोड़े सा नीचे जाएं तो इसमें देखो ये सारा इसमें आता है ऑटोमेटिक एसी, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आती, सारा बटन वाला सिस्टम आता है ऐसे ऐसे ठीक करने वाला। तो एक मेन डिफरेंस ही आता है। बाकी इसमें क्या है, वैनिटी मिरर्स आते हैं, देखो इस साइड भी आता है और देखो इस साइड भी आता है, लेकिन उसमें किसी भी साइड नहीं आते ये वैनिटी मिरर्स। और बाकी ये तो वैसा ही आता है। और दूसरी एक चीज़ क्या आती है, देखो मैंने अब नॉब खोला तो नॉब से बात कर ले, ये क्रोम में आता है लेकिन उसमें क्रोम में नहीं आता। एंड एक चीज़ जो ये है, ये देखो ये सीट एडजस्टेबल है, उसमें ये एडजस्टेबल नहीं आती है, सारे जो है ना ये मिसिंग फंक्शंस हैं। तो ये सब चीज़ें ना यार देखो आती नहीं है उसमें। और इसमें जो है ये ऐड है लेकिन इसका अच्छा खासा पैसा भी है उसी हिसाब से। एक डिफरेंस जो है ना वो आता है बट लेकिन वो मुझे ना यार डिफरेंस लगता नहीं है इतना, क्योंकि इसका म्यूजिक सिस्टम मुझे इतना खास तो लगा है नहीं। तो ये देखो इसमें आते हैं चार ट्विटर, इसमें चार ट्विटर आते हैं और चार स्पीकर आते हैं। उसमें क्या है, दो ट्विटर सिर्फ फ्रंट वाले आते हैं और पीछे जो है स्पॉट मिलता है आपको ट्विटर का, लेकिन ट्विटर होते नहीं है उसके अंदर। ये देखो पीछे जो आपको स्पॉट मिलेगा ट्विटर का, लेकिन ट्विटर होंगे नहीं उसके अंदर, तो आप वही बाहर से खुलवा के आप कर सकते हो। बाकी ये था कुछ जो मेन डिफरेंस आता है दोनों गाड़ियों के अंदर। तो कैसी लगी यार वीडियो कमेंट करके बताना। और अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ ना कि कौन सी आपको प्रेफर करनी चाहिए, तो देखो मैं तो देखो दोनों के बीच में ना डिफरेंस आता है ना वो आता है 60,000 का, 60,000 से 65,000 का डिफरेंस आता है। और वो डीलर कितनी आपको एक्सेसरी लगाने बोलता है वो बाद की बात है, ठीक है। तो 60,000 का मेन डिफरेंस आता है। अगर आप 60,000 डालोगे तो यहाँ पे आगे क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं सब मैंने बता ही दिया। तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन जो है ना यार 60,000 मत लगाओ इस पर, ठीक है। इसका बेस मॉडल उठाओ, सबसे बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि देखो मेन चीज़ जो है ना वो इसके अंदर है जो इसका इंजन। 7,000 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है, अगर मैं आपको रीडिंग दिखाऊं, मतलब ये ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी लेकिन अगर मैं आपको खुल जा भाई तो ये देखो 7,000 ये चल चुकी है गाड़ी। और 7,000 में इसका क्लच इतना लाइट है, इतना लाइट है, इतना लाइट है, पूछो मत। इसका स्टेयरिंग देखो कितना लाइट है इसका स्टेयरिंग, पर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये ना स्टार्टिंग में है फिर इसका हार्ड हो जाएगा, लेकिन गाइस अभी तक 7,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी बिल्कुल लाइट है। तो ये चीज़ मुझे सही लगी इस गाड़ी की। तो यार बेस मॉडल उठाओ और फायदे में रहो, क्योंकि ना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस यही था कि हमें ये मिली और अच्छी लगी। पैसा ज़्यादा था चौधरी जी पे तभी चौधरी जी ने ये ले ली, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस मॉडल भी ले सकते हो, वैल्यू फॉर मनी रहेगा पूरा। था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को ना सब्सक्राइब कर दें, लाइक और ना कमेंट करके बताओ भाई कौन सा वेरिएंट आप लेना पसंद करोगे, XZ प्लस या XZ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।